यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा के जरिए 2 दिन पहले रूस के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान सुखोई को ढेर कर दिया था। खास बात यह है कि एक घातक हथियार सोवियत संघ के दौर में बना था, जिसे अब रूस की सेना इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन यही एयर डिफेंस S-125 नेवा रूस के सुखोई लड़ाकू विमान का काल बन गया। दावा है कि 2 दिन पहले यूक्रेन के खार्किव में इसी ने रूसी विमान को पलक झपकते ही मार गिराया था। रूस के ताकतवर सुखोई विमान के जमीन पर गिरने की तस्वीरों ने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया था। इस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना में 2020 में शामिल किया गया था। हालांकि यूक्रेन की सेना ने बाद में इसे और घातक बनाने के लिए इसमें कई बदलाव भी किए, जिसका नतीजा है कि इसने यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को बड़ा झटका दिया। अब यही वजह है कि इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली एंटी एयर मिसाइल सिस्टम में होती है, जो जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है, और कहा जाता है कि ये 40 किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम आसमान से बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को भी ढेर करने की काबिलियत रखता है। भले ही रूस ने इसे अपनी सेना से रिटायर कर दिया, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल अब भी किया जाता है।